अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन अफ़गानी। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं कि चिकन अफ़गानी कैसे बनाया जाए एकदम इजी तरीके से। आज हम चिकन अफ़गानी बनाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले एक हम मिक्सर जार में एक मुट्ठी कोथमीर ऐड कर लेंगे और 5 से 6 हरी मिर्च और 7 से 8 लहसुन और एक छोटा टुकड़ा अदरक का काट कर ऐड कर देंगे और एक मीडियम साइज़ की प्याज भी ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम 100 ग्राम दही में ये पेस्ट ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करके इसमें 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, ये भुनी हुई क्रश की भी रखी हुई है, ऐड करेंगे। और इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर ले। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर हम चिकन में ये 3 बड़े चम्मच ऐड करेंगे, 1/2 किलो चिकन में, और उसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख देंगे। फिर एक पैन में 1 चम्मच ऑयल ऐड करके चिकन को फ्राई कर लेंगे। इसे हम पूरी तरह से कुक नहीं करेंगे, 60% ही कुक करेंगे। ये देखिए आगे पीछे करके हम कुक कर लेंगे 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट। फिर फ्राई होने के बाद चिकन, अब हम एक पैन में 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। इसमें 2 छोटी इलायची भी ऐड करेंगे और 2 तेज़पत्ते। और अब जो हमारा जो एक्स्ट्रा पेस्ट जो बचा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर, और पहले फ्लेम ये हाई रहेगी, फिर जब हम ढक देंगे तो फ्लेम को स्लो करके 10 मिनट तक पकने देंगे, एकदम स्लो फ्लेम करके, ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ये देखिए तेल जो है हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसे मिक्स कर लेंगे। फिर अब हम इसमें जो हमारे चिकन थे फ्राई किए हुए वो ऐड कर लेंगे। चिकन हमारा 60% ही कुक था, अब जो 40% बचा हुआ है वो हम इसमें ऐड करके कुक करेंगे। अब हम चिकन को ऐड करके भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे करके अच्छे से। फिर मिक्स करके हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके भी अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर 5 से 7 मिनट स्लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि जो हमारा 40% चिकन है वो इसमें कुक हो जाए। फिर देखिए ऑयल जो है हमारा सेपरेट हो चुका है 5 से 7 मिनट बाद। इसे मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए इसे अच्छे से चला लेंगे, अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। इसमें ग्रेवी जो है वो ज़्यादा थिक नहीं, मतलब ज़्यादा पतली नहीं होगी, इसमें ग्रेवी जो है हम थिक ही रखेंगे। ये देखिए ऑयल हमारा माशाल्लाह से सेपरेट हो चुका है अच्छी तरह से, और हमारा चिकन अफ़गानी तैयार है। तो चलिए इसे डिश आउट करेंगे, प्लेटिंग कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। और अब हम ऊपर से कोथमीर जो है हमारा हरा धनिया वो गार्निश कर देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़।